नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का देवगना नई गढ़ी में सम्मान किया गया। आयोजक सुनीता पटेल ने श्री गौतम का सॉल श्रीफल से सम्मान किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देवतला विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश की प्रथम नंबर के विधानसभा बनाने के सभी कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का जाल बिछाकर गांव-गांव व कस्बों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, साथ ही पुरानी सड़कों की भी मरम्मत कर उन्हें ठीक किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देवतला में शीघ्र ही तहसील कार्यालय संचालित होने लगेगा। देवतला विधानसभा क्षेत्र में 3 सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास के मकान पात्र लोगों को प्राथमिकता से मिल रहे हैं तथा आगामी 2024 तक प्रत्येक घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल मिलेगा। इस दिशा में भी कार्य कराया जा चुका है। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास का अपना संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में शिव पूजन शुक्ल, सुरेंद्र सिंह चंदेल, नरेंद्र मिश्रा, पुष्पेंद्र गौतम सहित आयोजक मंडल के सदस्य व ग्रामवासी उपस्थित रहे। बात याद है, जब पहली बार चुनाव लड़ा मैं तो आपसे मिलने गया तो आपने कहा कि अभी आप पिछड़ रहे हो। हमने कहा कितना वोट चाहिए, तो आपने कहा कि 7-8 हज़ार का इंतजाम हो जाए तो आप जीत जाओगे। तो हमने कहा आप परेशान मत होइए, हम कर लेंगे। फिर हमने जीत करके इनसे मिलने गए तो हमने कहा कि हमने 12 हज़ार का कर लिया था, आपने 7 हज़ार कहा था। हमारे भाई गंगा दीन जी, और ख़ासतौर पर आज इसके लिए मैं आया हूँ, सुनीता पटेल जी, जिनको हमने विधायक का प्रतिनिधि नई गढ़ी नगर पंचायत के भीतर बनाया है, क्योंकि हर बैठकों में हम रह नहीं सकते, इसलिए अपनी तरफ से ये तय हुआ कि हमारा वहाँ अध्यक्ष हमारे हैं, उपाध्यक्ष हमारे हैं, वार्ड पार्षद हैं, फिर भी हमारी बात कहने के लिए, क्योंकि पार्षद अपनी बात कहेगा, उपाध्यक्ष अपनी बात कहेंगे, हमारी बात कहने वाला नगर पंचायत में कौन हो। तो हमने तय किया कि हमारी तरफ से हमारी सुनीता पटेल जी रहेंगी, वो विधायक प्रतिनिधि बनकर वहाँ रहेंगे। हमारा संविधान दिवस के रूप में उसको हम मनाते हैं, और संविधान दिवस के रूप में ही मनाने के लिए गंगा दीन जी मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था। अधिवक्ता परिषद का इंदौर में बड़ा भारी सम्मेलन था, मुझे वहां जाना था, और मैं फिलहाल से सीधे गया वहां, उनके बीच गया। संविधान है क्या? संविधान समाज को चला, सब समाज को चलाने के लिए ऐसा कोई नियम कानून बने जिसके आधार पर समाज को हम आगे बढ़ा सके, इसलिए संविधान कहलाया। वो तो संविधान कोई 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 से नहीं है। संविधान संविधान तब भी था जब सभ्यता की तरफ हम बढ़ रहे थे। ऋग्वेद हमारा संविधान है, यथर्वेद हमारा संविधान है, हमारे सारे भाष्य, हमारे सारे पुराण, हमारी गीता से बड़ा संविधान कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का सम्मिश्रण है। समाज को कैसे चलाना, उससे बड़ा संविधान कुछ नहीं हो सकता। अब यह कानून का संविधान बना जो समस्या को उनको उठाया, जो आज देश की समस्या है, बड़ी समस्या, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा संकट आज हमारे भारतीय मूल्यों का, हमारे भारतीय अवधारणा, हमारे दर्शन का। हमारा दर्शन क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति पूरे दुनिया के किसी संस्कृति में नहीं है। आज सम्मान आज सुनीता पटेल का होना चाहिए, क्योंकि आज एक जिम्मेदारी जो निर्वहन करने जा रही है वो सुनीता है। हमको तो पहले से दे के रखा है जो है, तो हमको जो जिम्मेदारी दी है उससे हमारा सम्मान नहीं बल्कि हमारे कांधे दबे हुए हैं। इतना बड़ा बोझा लाद दिया है कि वो थोड़ा सा चलने में आप समझते हैं कि ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए उसको हल्का करने के लिए मैंने सुनीता जी को बनाया है। इसलिए मैं आज ये कहता हूँ कि आज उनका सम्मान का अवसर है, सम्मान उनका होना चाहिए। अभी मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, विकास आप स्वतः देख रहे हैं। हमारे नई गढ़ी नगर पंचायत के भीतर हमने, हमारे बनने के बाद नई गढ़ी को हमने ये सोचा कि नगर पंचायत का हमारा, चूंकि एक ही नगर पंचायत हमारे भीतर है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा विकास की सुविधाएं प्राप्त हों।
आप सबको मालूम है कि मेरे आने के बाद नई गढ़ी की तस्वीर बदलने का काम हमने किया है और आज बदली हुई तस्वीर दिखाई पड़ती है। आप नई गढ़ी बाजार से निकल करके जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ से सारे कार्यालयों का तांता लगा हुआ है और कोई बंद नहीं कर रहा हूं, कोई काम बंद थोड़ी हुआ है। नई गढ़ी में पेयजल की व्यवस्था के लिए 7.5 करोड़ रुपया काम उसका शुरू है। जैसे ही हमारा सोन का पानी आएगा, एक्वाडेट बना करके पानी भर के टंकी भर करके पूरे गांव मोहल्ले के भीतर उसको पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। नगर पंचायत भवन के लिए पैसा, हमारी वो जो पुल बनी जहां बार बार हर बार बरसात के भीतर लालगंज की तरफ हम नहीं जा पाते, उसको पुल का बनाने का काम, जैसे विकास के काम, रेस्ट हाउस बनाने का काम, तहसील भवन बनाने का काम, और एक और भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात थी कि हमारे यहाँ ITI थी, हमारे विधानसभा के देवतलाव ऐसी विधानसभा थी जहां ITI नहीं थी, और मैंने मुख्यमंत्री से कह करके उनसे आग्रह करके कि हमको भी चाहिए, और इसीलिए हमारे देवतलाव के विधानसभा क्षेत्र के भीतर जब नई गढ़ी हमको मिला, जब ITI तो हमने कहा नई गढ़ी हमको चाहिए, क्योंकि हमने CM राइजिंग देवतलाव में कर दिया था, ढेरा में कर दिया था, रघुराजगढ़ में कर दिया था, तो ITI कहां ले जाना, हमने कहा नई गढ़ी ले चलो। और नई गढ़ी में काम भी शुरू हो गया, उसका पैसा आ गया, उसकी बिल्डिंग बनना काम हमने ITI के काम शुरू हो गया। और अभी 1.5 महीने के भीतर ही ये जो सड़क बार बार सबको दिखाई पड़ती थी, बार बार मरम्मत होती थी, बार बार उखड़ जाती थी, इसलिए इसको परमानेंटली 15 साल तक, अब जब तक मैं विधायक रहूंगा तब तक इस सड़क में छिलकी नहीं निकलेगी, ऐसी सड़क का पैसा मंजूर करा करके लाया। देर तलाश से लाल